अक्सर फाउंडेशन के ऊपर लिखा होता है शेयर कवरेज, मीडियम कवरेज एंड फुल कवरेज, तो इनके डिफरेंस के बारे में ही आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं शेयर कवरेज की। शेयर कवरेज होता है लाइट कवरेज। ये फाउंडेशन आपको बिल्कुल लाइट कवरेज देगी और इससे आपकी जो लुक है वो नेचुरल रहेगी। अगर किसी के मोल्स हैं और वो उसे हाइड नहीं करना चाहते हैं तो आप इस मेकअप को चूज़ कर सकते हैं। शेयर कवरेज वाली फाउंडेशन डेली मेकअप के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर आपकी स्किन पर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस फाउंडेशन को यूज़ ना करें। ये उनके लिए है जिनके फेस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है मीडियम कवरेज। मीडियम कवरेज होता है जिनकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस या फिर कोई भी इम्परफेक्शन, पिंपल्स, एक्ने वगैरह होते हैं। ये फाउंडेशन वो लोग चूज़ कर सकते हैं। मीडियम कवरेज फाउंडेशन को भी आप डेली बेस पर यूज़ कर सकते हैं अपनी नेचुरल लुक दिखाने के लिए। अगर आपकी स्किन पर ब्लेमिशेस या फिर कोई और डिस्कलरेशन ज़्यादा है तो आपको इसमें कंसीलर एक्सेट्रा यूज़ करना होगा। अगर आपके लाइट स्किन इशू है तो आप मीडियम कवरेज फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन। मीडियम कवरेज फाउंडेशन के जैसे ही है ये, मीडियम टू फुल कवरेज। डिपेंड करता है कि आप कितनी अप्लाई करते हैं। अगर आप वन लेयर लगाते हैं तो ये मीडियम कवरेज देगी, अगर आप दो से ज़्यादा लेयर लगाएंगे तो ये फुल कवरेज देगी। ये फाउंडेशन शीयर और मीडियम से ज़्यादा कवरेज देती है। ये उनके लिए बेस्ट है जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन होती है। ये फाउंडेशन फ़ोटोशूट या फिर पार्टी मेकअप के लिए बेस्ट है। एंड लास्ट में है फुल कवरेज फाउंडेशन। फुल कवरेज फाउंडेशन होती है कि आप इसे थोड़ा सा ही लगाएं, ये आपके हर प्रॉब्लम को हाइड कर देती है। ये बेस्ट होती है फ़ोटोग्राफी के लिए या फिर आप कोई भी पार्टी मेकअप करना चाहते हैं या ब्राइडल मेकअप के लिए इसे ही यूज़ करते हैं। ये आपकी किसी भी डिसकलरेशन को कवर कर लेता है फुली तरीके से। इस फाउंडेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसे ब्लेंड करना। अगर आप इसे अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने मेकअप ओवर किया हुआ है। आपने क्या करना है, स्पॉन्ज को वेट करना है, फिर इसके आप अप्लाई कर सकते हैं इवन देने के लिए। ये फाउंडेशन आपके पिंपल, एक्ने, ब्लेमिशेस और डार्क स्पॉट्स को फुली कवर कर लेगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है डर्मा कलर की इरेज स्टिक के बारे में। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो आए तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।